ऑफ द सक्सेसफुल लोग है यार, उनमें यार एक बात कॉमन है, वो बात ये है कि यार वो लोग जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं, जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, एलन मस्क, और यार कुछ एक्सेप्शन भी नाइट आउट है जैसे मार्क जुकरबर्ग। यार इनमें ये क्या है, ये सुबह जल्दी उठना, ये सब क्या, ये कैसा, ये कैसे इनकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं और इस वजह से क्या ये सच में वेल्दी बने हैं, तो इसी को जानेंगे हम। बाय द बुक जो है मिरेकल मॉर्निंग एंड द बेस्ट सेलिंग ऑथर है इस बुक के, इनका नाम है हेल एलोर्ड एंड डेविड ऑसबॉर्न। तो यार इस बुक में काफ़ी ऐसी बातें बताई गई जो आपकी मॉर्निंग को बना सकती है मिरेकल और आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सुधार ला सकती है। वेट गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो यानी क्वांटम लैब पे, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा के उसके बगल वाली जो घंटी है उसको भी दबा देना, जिससे मैं जितने भी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बोलोगे क्यों दीदी मैं आपका चैनल क्यों सब्सक्राइब करूँ, तो लिसन, इस चैनल पे मैं मोटिवेशन, फैक्ट, नॉलेज, सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारे सेल्फ ग्रोथ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे कंटेंट से जुड़े रहने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर बहुत अच्छी लग रही है यार, दिल को छू जाए तो लाइक करके जाइयो, और अगर कोई ऐसा खास दोस्त हो और जो ऐसे कंटेंट देखना चाहता हो सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड, तो उसको यार शेयर कर देना। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल गाइस, क्या सच में सुबह जल्दी उठने से कैसे सक्सेसफुल बना जा सकता है, क्या सच में हमारे लाइफ में इतना इम्पैक्ट डालते हैं, क्या एक मिथ है, तो इसी को जानने के लिए चलिए हम बात करते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ मॉर्निंग एंड हाउ डज इट इफेक्ट अवर लाइफ। तो इसमें यार दो लोगों की स्टोरी के बारे में बात की, चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। सबसे पहले यार एक जिम है और एक जो है क्लोए। जिम जो है ओवरवेलमर है और क्लोए वो अंडरवेलमर है। जिम के बारे में बात करते हैं, जिम यार लेट होता है, ठीक है, वो उठता है यार हड़बड़ी में, सारे काम हड़बड़ी के इतने करता है, जल्दी जल्दी खाना खाना, फ्रेश होना, सब कुछ जल्दी जल्दी करता है, जैसे कि फायर ड्रिल हो, बहुत ही नॉइजी चाव से भरा हुआ, ठीक है, ये है जिम की लाइफ। अब बात करते हैं क्लोए की, यार क्लोए जो है यार देर से उठती है और जब उठती है वो बहुत ही धीरे धीरे काम करती है, एकदम स्लो पेस में, जैसे एक बटरफ्लाई आलसियों की तरह चलती है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, बहुत आराम से काम करती है, इतना धीरे धीरे काम करती है। और इसमें ये दो लोगों स्टोरी थी, इसमें समझ में ये क्या आता है, हमें ये समझ में आता है यार लेट तो दोनों होते हैं, एक हड़बड़ी में काम कर रहा है और एक एकदम लेजीनेस भर के काम कर रही है, बट दोनों यार हमारे लाइफ में इफेक्ट डालती है, ये हमारे कैसे वर्क को अनकम्प्लिश करने में मतलब इफेक्ट डालती कि ये सब चीज़ें हमारा वर्क अनकम्प्लिश नहीं कर पा रही हैं। तो इसी से रिलेटेड यार यहाँ पे बात करते हैं रॉबिन शर्मा की, यार एक और बहुत ही अच्छे रिमार्केबल ऑथर है, ये बहुत बड़े फेमस एंटरप्रेन्योर हैं जो बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग हैं वो अर्ली उठने वाले लोग। यार रॉबिन शर्मा है वो कहते हैं कि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं सुबह जल्दी उठने से। सबसे पहले उन्होंने बात की प्रोडक्टिविटी लेवल की, सुबह जल्दी उठने से प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ता है यार, टाइम भी बहुत मिलता है, टाइम ज़्यादा होने की वजह से यार ना जो काम की जो लाइनें लगी रहती है वो भी काम आसानी से हो जाता है। अब सेकेंड बेनिफिट बताते हैं सुबह जल्दी उठने से क्या बेनिफिट होता है, यार रिलैक्सेशन, ये तो एकदम एक रिलैक्सेशन फील होता है, कंसंट्रेशन होता है और प्रॉपरली वर्क हो पाता है। और थर्ड चीज़ बताइए यार एनर्जी, यार हम जब सुबह जल्दी उठते हैं हमारी एनर्जी का जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, और यार इसी एनर्जी लेवल में यार बताइए कि जो मोस्ट ऑफ सक्सेसफुल लोग होते हैं वो यार मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं। मॉर्निंग एक्सरसाइज करने से क्या क्या फ़ायदा, उन्होंने तीन फायदे बताए। सबसे पहले होते हैं ब्लड सप्लाई, हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेन तक अच्छे से हो पाएगी। सेकेंड चीज़ यार हम लोग क्लियरली सोच पाएंगे, थिंक क्लियरली, ठीक है। और थर्ड चीज़ बताइए फोकस, तो यार जो इसमें ऑथर है वो ये बताते हैं कि यार जल्दी उठने के क्या क्या फ़ायदे हैं। वेल गाइस, हमने ये जान लिया कि यार देर से उठने से या जिम क्लोए की लाइफ से हमें समझे देर से उठने से हमारी लाइफ कितना इफेक्ट करती है, हमारी वर्क हो नहीं पाते, पूरा दिन खराब जाता है और इसी में हम लोग के अंदर जो चिड़चिड़ापन, अपने घर वालों को चिल्ला देना, काफ़ी सब चीज़ें इफेक्ट करती है। और सुबह जल्दी उठने से कैसे रिलैक्सेशन फील होती है और हमारा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। वेल गाइस, हमने इतना सब जान लिया सुबह उठने कितने फायदे होते हैं, बट क्वेश्चन क्या आता है, घूम फिर क्वेश्चन ये आता है कैसे उठे, हाउ टू बिकम अ मॉर्निंग पर्सन, हाउ टू वेक अप अर्ली। यार इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए यार इस बुक के जो ऑथर है हेल्थ,
वो बताते हैं यार 5 मिनट रूल के बारे में बताते हैं। ओके गाइस, 5 मिनट रूल। तो सबसे पहले वो बात करते हैं, हम जब भी उठते हैं अलार्म लगाते हैं, ठीक है, उठने से पहले मतलब अलार्म लगाते हैं, ठीक है, और फिर जब अलार्म बजता है उठेंगे, अलार्म बंद कर देंगे या स्नूज़ पे लगा देंगे, फिर लेट जाएंगे, फिर यही सोचेंगे अभी 5 मिनट और है। अभी जो 5 मिनट सोचते क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 मिनट थोड़ा और लेट जाएंगे, ऐसे कर करके 1 घंटा हो जाता है। तो ये चीज़ होती है ना कि हम सोचते 5 मिनट से कुछ नहीं होना, इसी चीज़ को रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो भाई जो ऑथर है वो कहते हैं कि यार इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम पर 5 मिनट रूल लगाते हैं। चलो इसी 5 मिनट रूल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 5 मिनट रूल, इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं राइटर कि जो एक्साइटमेंट के बारे में। तो यार एक्साइटमेंट कैसे, हम मतलब कि जब भी हमें कहीं जाना होता है कल सुबह पिकनिक में, ठीक है, या तो हमारा जो एक्साइटमेंट होती है इस चीज़ के प्रति, जिस हम लोग इस वजह से सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं, वो यार कैसे हो जाता है, ये सब चीज़ें एक्साइटमेंट है हमारा, ये सब चीज़ें हमारा माइंड का लेवल की वजह से होता है, हम दिमाग ये सब चीज़ें हमारा दिमाग करवाता है। तो हमें अपने दिमाग को सोने से पहले ये बताना पड़ेगा कि यार सुबह जल्दी उठना कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है, ये बहुत ही ईजी पीजी प्रोसेस है, बस तुम्हें जल्दी उठना है, बहुत ही रिलैक्सेशन है। तो इसी को बता रहे होते हैं क्रिसमस ईव का एग्जांपल देके कि यार बच्चा है वो क्रिसमस ईव है तो यार इसी चीज़ के एक्साइटमेंट में वो जल्दी उठ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो यही कहते हैं हमें अपने दिमाग को एक रिलैक्सेशन में बताना है कि ये सब चीज़ें रिलैक्सिंग है, कितनी रिलैक्सिंग है सुबह जल्दी उठना। अब यार बात करते हैं सेकंड मिनट रूल की। सेकंड मिनट रूल कहता है यार कीप अलार्म क्लॉक अवे फ्रॉम योर बेड, ठीक है। कैसे यार अलार्म को ना जब भी आप सो रहे हैं अलार्म को यार किसी दूसरे रूम में रख दो, ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि हम जब चल के जाएंगे तो अलार्म की आवाज़ आएगी, हम चल के जाएंगे तो बंद करने के लिए इससे जल्दी हमारी नींद है वो खुल जाएगी, ठीक है। वेल एक और अच्छी चीज़ बात करते हैं इसमें कि जो अलार्म की आवाज़ आप चाहते हैं ना आपकी अलार्म की आवाज़ बहुत तेज़ हो जाए, यार एक ग्लास का कांच लेना, उसमें अपना मोस्टली लोग यार मोबाइल फ़ोन में अलार्म लगाते हैं तो उसमें जो भी क्लॉक है उसको रख देना, ठीक है, या कांच का बाउल ले लेना उसको दूर रख देना, ठीक है। जब अलार्म बजेगा तो जो उसकी जो वॉइस होगी ना बहुत दूर तक, मतलब क्या है कि बहुत दूर तक उसकी आवाज़ जाएगी, जिससे यार वो तेज़ होगी, उसकी डेसिबल जो होगी बहुत बढ़ जाएगी, इस वजह से आपको दूर रखा हुआ अलार्म की आवाज़ जल्दी सुनाई दिखाएगी, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि इस चीज़ से क्या होता है, ये हमें वेकअप मोटिवेशन लेवल बढ़ाता है, यानी कि WUML लेखक इसको कहते हैं, और इससे जब हम उठते हैं और चल के जाते हैं यानी मोशन करते हैं और दूसरे रूम में जब जा रहे होते हैं तो ये जो एनर्जी है वो क्रिएट करता है, एनर्जी के क्रिएट होने से जो हमारा मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब थर्ड मिनट की बात करते हैं। थर्ड मिनट कहता है कि ब्रशिंग और फ्रेश हो जाने से जो हमारा जो डॉजीनेस है वो कम हो जाता है और WUML भी बढ़ जाता है, ठीक है। और फोर्थ मिनट कहते हैं कि यार एक ग्लास पानी पीना चाहिए, एक ग्लास पानी पीना चाहिए क्यों, किसी से हमारे जो पानी की बॉडी में जो पानी कमी है वो पूरी हो जाए और ब्रेन में जो भी वाटर सप्लाई है O2 की यार वो पहुँच सके। और फिफ्थ कहते हैं कि शावर लेने से अच्छे से आपको की जो नींद है वो छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी इस मेडिकल मॉर्निंग की बुक में जो आपने सीखी इस वीडियो लेक्चर से। तो वेल गाइस, ये एक आधा पार्ट था, पार्ट फर्स्ट है, तो सेकंड पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, जिससे आपको सेकंड पार्ट भी मिल जाए। तो वेल गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में भी फॉलो करना ज़रूरी है, बस भजन सुन के चले जाना इतना काफ़ी नहीं होता, हमें इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। इफ यू रियली वॉन्ट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ लाइक बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग एंड ऑल। तो इसी के साथ आज के वीडियो समाप्त करते हैं गाइस।